तो आपने देखा किस प्रकार से ये युवक अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। बात इस प्रकार की है, नवी मुंबई महानगर पालिका के सामने आज सुबह आत्महत्या करने का प्रयास किया। योगेश चौहान नाम के इस युवक को महानगर पालिका के सुरक्षा गार्ड और पुलिस कर्मियों ने बचा लिया। उनसे पूछा कि वह आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं, तो उसने बताया कि आयुक्त को बार बार निवेदन करने के बावजूद उसकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए उसने ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि युवक सफाई कर्मी है और उसका सैलरी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाली महानगर पालिका अपने स्वच्छता कर्मी को वक्त पर पगार भी नहीं दे पाती है, ये पालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। इस साल भी महानगर पालिका ने स्वच्छ शहर मिशन के तहत करोड़ों के टेंडर निकाले थे। कर्मचारी अगर सुविधा से वंचित रह जाते हैं तो फिर इतना पैसा कहां जाता है। महानगर पालिका की तरफ से अब तक इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार चालला आहे म्हणून डीसीपी साहेबांना पण दिलेलं आहे, आयुक्तांना पण दिलं, पोलीस आयुक्तांना याची चौकशी करा म्हणून। एकच माणूस 50-50, 60-60 अर्ज करतो महिन्याला, तो मडवी म्हणतो त्याच्याशी मिटवून घ्या काय येते, आमचं काय नाही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले शहर की खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।